9 महीने से लोग परेशान है कोरोना को लेके, और कैसा है बहुत लोग परेशान है। और मेरा बर्थडे तो हर साल लोग सेलिब्रेट करते ही है, और इस बार तो फिर भी कम है तादाद में, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन है नहीं। 100-200 लोग, 100 लोग को लेके परमिशन है, वही हिसाब से नहीं तो इधर तो हज़ारों की भीड़ होती थी मेरे बर्थडे के अंदर। और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ जो मेरे दोस्त लोग आए, रियाज भाटी भाई, फिरोज सांबा भाई, हाजी साहब, साकिब, मौसम और गुप्ता जी, अपने जो भी हमारे सब दोस्त लोग हैं जो मोहब्बत करते हो, सब लोग मेरे साथ में खड़े रहते हैं हमेशा कंधे से कंधा मिला के। और एक कैसा एक प्यार बांटने का एक तो भाना होता है, यही भाने से सबसे मिल लेते हैं और सबसे प्यार मोहब्बत की बातें हो जाती है। मिलके एक संगठन है हमारी, संगठन को लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। भविष्य में अभी देखो, आज मेरा महाराष्ट्र के अंदर के ग्रुप करके एक मेरा फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज का पूरा काम कर रहे हैं। फिल्म लाइन के अंदर भी मेरा काफ़ी काम है, फिल्म लाइन के अंदर भी लीडरशिप करता ही हूँ, आप लोग को मालूम रहेगा, और सेना के अंदर भी मैं काम करता ही हूँ। तो व्यूवर्स में क्या है, लोगों की सेवा करना है और अच्छा सा काम करना, यही अपनी उम्मीद है। अली भाई, आपने एक यूनियन बनाया है, उस यूनियन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या है वो। यूनियन ऐसा है जो फिल्म लाइन के अंदर वेंडरों की यूनियन नहीं होती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते थे उनकी यूनियन नहीं थी, सब डिपार्टमेंट है मगर वही एक डिपार्टमेंट नहीं था। वो डिपार्टमेंट में मैंने बना के आज कॉन्ट्रैक्टरों को हक दिलाने का काम कर रहा हूँ। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर लोग का कई लोग का काम करते थे बेचारे, ब्याज पे पैसा लाते थे, काम करते थे, उनका पैसा दिलाने वाला कोई नहीं होता था, काम तो मिल जाता था मगर पैसा वसूल करने वाला कोई नहीं देता था। आज वो यूनियन के माध्यम से सबको, सबका हक मिल रहा है, और फिल्म लाइन से गुंडागिरी खत्म हो रही है। आस्ते आस्ते जो गुंडागिरी होती थी कि मैं लोकल हूँ, मैं ये मैं हूँ, मैं ही करूँगा, ये सब चीज़ हमने खत्म कर दी है फेडरेशन के अंदर, एफिलिएट यूनियन की, और वो माध्यम से सभी गुंडागिरी खत्म कर रहे हैं हम। बॉलीवुड से काफ़ी मदद मिला है हमारे को, यश चोपड़ा के तरफ से मदद मिला है, सलमान भाई के तरफ से मिला है, और शाहरुख खान के तरफ से मिला है, रोहित शेट्टी के तरफ से मिला है, अजय देवगन के तरफ से मिला है, नॉइट्स अपना प्रोड्यूसर एसोसिएशन के तरफ से मिला है, नेटफ्लिप के तरफ से मिला है, और वर्करों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया है, वो सबसे बेहतरीन बात हो गई। आज कम से कम नहीं तो मिनिमम 35,000 वर्करों को मदद हुई है, सलमान भाई ने की है, सभी प्रोड्यूसर लोग ने किए, फेडरेशन के मार्गदर्शन में सभी काम अच्छे से हुआ है। आज हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है। आज मेरे परम मित्र खालिद खान जी का जन्मदिन है, और मैं क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट, आज मेरे पूरे इंडिया और एंटायर टीम के तरफ से मेरे छोटे भाई खालिद जी को जन्मदिन की दिल से मुबारकबाद, और मेरे क्राइम एंड करप्शन की पूरी टीम से उनको जन्मदिन की मुबारकबाद। और आज उन्होंने जो यहाँ पर प्रोग्राम लिया और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए उन्होंने जो यहाँ पे काम किया है, इसके लिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने सब सारे लोगों को बुलाया, समाज के अच्छे लोगों को बुलाया, सबका सम्मान किया, उसके लिए मैं दिनेश गुप्ता सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके मेरे परम मित्र खालिद जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे, खालिद भाई का जन्मदिन है और ये अवसर बहुत बेसब्री से दोस्त लोग याद करते हैं इस दिन को, और बड़ी बड़ी उनको दे रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि खालिद भाई तुम जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000, और मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खालिद भाई माशाल्लाह ऐसे इंसान है कि हर एक दोस्त के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो खाली मतलब हम सब चाह रहे थे कि ऐसा गेट टुगेदर, और ये बर्थडे तो बहाना रहता है, हम सब मिलते हैं, सब दोस्त मिलते हैं, बहुत पहले के पुराने दोस्त थे हम लोग, सब मिलते हैं और सब एक साथ में खुशियाँ मनाते हैं। और ऐसा है हकीकत में कि अगर खालिद भाई के लिए हम लोग हर रोज़ बर्थडे करें तो भी कम है। बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस दिन का, जब खालिद भाई अपना जन्मदिन मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस जन्मदिन को लेकर कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं खालिद भाई को तहे दिल से उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज स्पेशली उनके लिए यहाँ पर आया हूँ। उनका एक बहुत मोहब्बती नेचर है जो सबको लेकर चलते हैं, उसमें ना धर्म की राजनीति करते हैं ना पार्टी की राजनीति करते हैं। तो आज उन्होंने प्रोग्राम रखा, हमको बुलाया, हम सब यहाँ पर सारे दोस्त शामिल हुए, और बहुत खुशी का माहौल है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। मुंबई के शहंशाह, महाराष्ट्र के शहंशाह, हम सब के प्यारे जान, हम सब के प्यारे भाईजान, और दिलों में राज करने वाले सुपरस्टार
मेरे भाई खालिद खान साहब का जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। भाई तुम जिंदगी भर भाई तुम अच्छा काम करोगे मुझे पता है, और कल्याण जी जाना गरीबों के एक्टर आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर। खालिद भाई तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं मिलेगा और ना कभी मिल पाएगा, इसलिए भाई जन्मदिन मुबारक हो। और मेरे साथ में है कमाल खान, ताहिल कमाल खान सुपरस्टार हमारे एक्टर और मेरे वीरू जैन, मेरे भाई मेरे एक्टर मॉडल। थैंक यू भाई, जन्मदिन मुबारक हो। और जन्मदिन में आके मुझे बहुत सारे दोस्त मिला है, थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू मीडिया, क्योंकि मीडिया के वजह से हम लोग हैं। जो भी कुछ आज मैं गरीबों के एक्टर के नाम का अगर मैं हूँ कुछ कल्याण जाना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मीडिया 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 है। थैंक यू सो मच खालिद भाई, मुझे हर वक्त आप मुझे हेल्प करते हो मेरे प्रोग्राम में, मेरे अवार्ड शो में मेरे साथ रहते हो, मेरे प्रोग्राम में आते हो। और जिस तरीके से आज आपने बर्थडे बनाया, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं आपके बर्थडे आपके जन्मदिन में आप सभी के। खालिद भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आप जो है माशाल्लाह एकदम बोले तो झकास, एक नंबर, बोले तो रात को सपने में आएंगे और आपको लेके जाएंगे मैं मलेशिया, वहां पे खाएंगे अपन पानी पूरी। हाँ वहाँ पानी पूरी मिलता नहीं, हम खिलाएंगे। थैंक यू भाईजान, आई लव यू खालिद खान, एक नंबर, बोले तो रावास झकास, बोले तो मस्का मार के चस्का मार के जन्मदिन मुबारक। खालिद भाई के लिए दो लाइन गाना चाहता हूँ, और साथ में हम लोग गालेंगे गालेंगे सर। बार बार ये दिल गाए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ए मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे टू यू खालिद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। खालिद भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पीनेस सक्सेस गुड हेल्थ लाइफ मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से और पूरी मीडिया और पूरे बॉलीवुड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खालिद भाई, लव यू, थैंक यू सो मच। जी खालिद भाई के इस शुभ अवसर पर उनको दिल से जन्मदिन की मुबारक देना चाहता हूँ, विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, भगवान और गॉड ब्लेस यू। दादा साहेब फाल्के आइकॉनेबर फिल्म्स और केजे टॉकीज के माध्यम से इतने खाली बोलना चाहता हूँ मैं, जिस तरीके से खालिद भाई हम मेरे प्रोग्राम में आते हैं और मेरे प्रोग्राम की एकदम सुबह बढ़ा देते हैं, DPIF और केजे टॉकीज ये दोनों मिलके आज जिस तरीके से हमारे जो कलाकार हैं वो कलाकार के लिए जो 6 तारीख से भंडारा हम शुरू कर रहे हैं 6 जनवरी से आदर्श नगर अंधेरी में एवरी डे, हर रोज 12 से लेकर 2 बजे तक जो तमाम कलाकार तमाम जो टेक्नीशियन टीम है जिनको जो भूखा रहते हैं जिनको खाना नहीं मिलता उन सभी के लिए 6 जनवरी से आदर्श नगर सिग्नल पे हर रोज DPIF और केजे टॉकीज के माध्यम से हम भंडारा शुरू कर रहे हैं 6 जनवरी को। तो प्लीज़ मीडिया वाले आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, 6 जनवरी से एवरी डे 12 से लेकर 2 बजे तक भंडारा, कोई भूखा नहीं सोएगा आदर्श नगर मुंबई में, कहीं भी कोई भी रहता है भूखा नहीं सोएगा। जी जी बहुत अच्छा पूछा मेरे मेरी जान मेरे अखिलेश भाई, थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारे भारत सरकार के मंत्री और RPI के अध्यक्ष माननीय श्री रामदास आठवले साहब ने 6 तारीख को वो आ रहे हैं, उनके हाथों से हमारे रिबन उनको मतलब वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। खालिद भाई भी रहेंगे वहाँ पर और तमाम और वहाँ के स्थानिक MLA नगर सेवक और काफ़ी और भी लोग वहाँ पर रहेंगे, ये शुभ काम है और तमाम वहाँ पे मीडिया भी रहेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे मेरा जो मुंबई रफ्तार मेरा भाई आप पूरा तमाम जो मेरी मीडिया जो आप संभालते हैं आप, तो सेल्स भाई पूरी तमाम ये पूरी जी यस 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 इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने बोल रहा, इतिहास में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में हर रोज खाना कोई नहीं शुरू किया है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई बड़ा स्टार नहीं, छोटा सा मैं इंसान हूँ, गरीबों के एक्टर हूँ। इतिहास में पहली बार आदर्श नगर अंधेरी में मुंबई में एवरीडे 12 से लेकर 2 बजे तक जो भंडारा हमने शुरू किया है, तमाम जो कलाकार हैं बड़े बड़े स्टार हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सर आप लोग भी शुरू कीजिए, हमने पहल किया है ये शुरू किया है, तो प्लीज़ आप लोग भी
शुरू कीजिए। तमाम जो कलाकार है आज जो जिनके पास 10-10 घर है, 4-4 5-5 6-6 बंगलो है, तो आज बैंक में करो, अरे क्या करोगे पैसा लेके, ये बैंक में डाल के पैसा क्या करोगे बंगलो रख के। प्लीज़ आप लोग भी शुरुआत करें, क्योंकि मैं तो छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैंने शुरुआत किया, आप लोग भी करें। और हर आदमी को करना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो तमाम कलाकार जो एक चाय पीने के लिए वो मरते हैं, लेकिन अब नहीं मरेगा, वो रोज़ 12 से लेकर 2 बजे तक खाना खिलाएंगे, और ये 365 डेज कंटिन्यू वो चलेगा। और मीडिया की वजह से ये हो रहा है। मीडिया, आई लव यू, आप लोग साथ रहिए, और आप लोग साथ रहोगे तो ही मैं कुछ कर सकता। थैंक यू, लव यू माई लवली वाइफ अंकिता जाना, एंड लास्ट में मेरे भाई, मेरी जान, हम सबके भाईजान खालिद खान साहब, थैंक यू सो मच।